लाहौर हाईकोर्ट के रेफरी बेंच से मिला शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। आमदन से ज्यादा साजिशात केस में जमानत मुतफिका तौर पर मंजूर। 50-50 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म, कल रिहाई का कभी इम्कान। मरियम नवाज कहती हैं शहबाज शरीफ का जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा है, झूठे मुकदमात से खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। हमजा शहबाज का इजहार तशक्कुर, कहा ताया वालिद और नून लीग एहतसाब और अमानत के हर इम्तिहान में कामयाब हो। इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। अनकरीब ग्रुप के वजीर आजम से मुलाकात होगी। हमारा ग्रुप किसी कमेटी से नहीं, सिर्फ इमरान खान से मिलेगा। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिविल केस को फौजदारी केस में तब्दील किया गया, ये तो नून लीग ने भी नहीं किया था। अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में सेशन कोर्ट लाहौर ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीक दी। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में एक और हुकूमती तलबी, वजीर आबवाशी पंजाब मोहसिन लगारी भी 4 मई को नैब रावलपिंडी तलब। नैब ने सूबाई वजीर असलम इकबाल और समीउल्ला चौधरी को भी इसी केस में तलब कर रखा है। जस्टिस काजी फायजी सान अजीसानी केस में जजेस में तलकलामी। जस्टिस मकबूल बाकर की एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इख्तसार से काम लेने की हिदायत। जस्टिस मुनीम अख्तर ने कहा कि दलाइल जारी रखें, काफ़ी वक्त है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा ये कोई तरीका नहीं, जूनियर को सीनियर का एहतराम होना चाहिए, उठकर चले गए। जस्टिस उबरता बंदयाल ने रिमार्क दिए कि जस्टिस मकबूल बाकर बेंच की महबूबा हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए यह हसास तरीन केस है, कोशिश करें जज्बाती ना हो। समाज कल तक मुलतवी।